नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज पॉल और आप देख रहे हैं ठीक है जी हिंदी। दोस्तों आज हम देखेंगे PLI का जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, उसके बाद आप कैसे उस ऑनलाइन पेमेंट को, ईयरली स्टेटमेंट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। PLI का जो ईयरली स्टेटमेंट है, जो इनकम टैक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पाने के लिए मैं गूगल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ PLI ऑनलाइन पेमेंट और यहाँ पे इंटर की को प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो पहला लिंक आया है https://PLI.indiapost.gov, इसी लिंक को मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस तरह आपको इंडिया पोस्ट का जो वेबसाइट है इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद ये डिस्प्ले हुआ इमेज को भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके पास कस्टमर आईडी या पासवर्ड नहीं है तो कैसे इस कस्टमर आईडी और पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो है, वो आई बटन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस मदद से आप कस्टमर आईडी और पासवर्ड को तैयार कर सकते हैं। मैं पहले कस्टमर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाता हूं। देखिए यहां पे मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हूं और यहां पे आपको इस तरह मेनू आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पे आपको इस तरह मेनू देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहां पे मैंने टूल्स एंड यूटिलिटीज का अंदर क्लिक करता हूं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट इस तरह देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे एक ही पॉलिसी है, यहाँ पे पॉलिसी नंबर को मैंने सिलेक्ट कर दिया हूँ और गेट पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर मैंने क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे सारी पेमेंट का आपको हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर, सॉरी यहाँ पे रिसीप्ट नंबर देखने को मिलेगा, उसके बाद डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा और अमाउंट के साथ यहाँ पे डाउनलोड रिसीप्ट राइट की तरफ से देखने को मिलेगा। आपने जो लेटेस्ट पेमेंट वाला जो सबसे ऊपर मिलेगा और उसके पहले का जो पेमेंट हिस्ट्री वो उसके नीचे मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको पेमेंट का जो रिसिप्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे डाउनलोड करना है जो ईयरली सर्टिफिकेट है जो इनकम टैक्स के लिए। तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री के नीचे मैं फिर से एक बार टूल्स एंड यूटिलिटीज के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इनकम टैक्स सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं इसका ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पहले नंबर में आएगा पॉलिसी नंबर को सेट करना है, तो पॉलिसी नंबर को सेट करता हूँ और दूसरा जो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ईयर, मतलब आपको फिनेंशियल ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2022-2021 को सिलेक्ट करके गेट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट करके एक PDF फाइल डाउनलोड हुआ है। सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी पॉलिसी का डिटेल्स, उसके साथ आपको सारी ईयर का जो अमाउंट है सारी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ईयरली स्टेटमेंट इस तरह डाउनलोड हो जाएगा और इसकी मदद से आप इनकम टैक्स में इस सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप PLI का जो ईयरली स्टेटमेंट है, जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों PLI के लिए और भी कुछ जानकारी के लिए नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस तरह और मुलाकात होगा और एक नया वीडियो में।